सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर ज्ञान पर। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए स्वास्थ्य विभाग की एक और नई भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पर बम्पर भर्तियाँ होने जा रही है। 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया की वैकेंसीज हैं, सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये भर्ती होने जा रही है। पोस्ट के नाम है सिस्टर ग्रेड सेकंड यानी कि स्टाफ नर्स, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट यानी कि MLT, टेक्नीशियन रेडियोग्राफी और टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, इन पदों के लिए यहां पर अलग अलग भर्तियां निकली है। जैसे कि सिस्टर ग्रेड स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए 252 वैकेंसीज हैं, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 23 वैकेंसीज हैं, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट MLT के लिए 137 वैकेंसीज है और टेक्नीशियन रेडियोग्राफी के लिए 8 वैकेंसीज है, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए 34 वैकेंसीज है। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर 454 वैकेंसीज है जिनको भरने के लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का कम से कम 12वीं क्लास पास होना जरूरी है, प्लस उनके पास GNM का डिप्लोमा या फिर BSc की डिग्री नर्सिंग के अंदर या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की डिग्री होनी जरूरी है या फिर कोई अन्य मेडिकल डिग्री या फिर डिप्लोमा होना जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। आयु सीमा आपकी 21 से 40 साल के बीच में रखी गई है। सैलरी आपको 29,200 से 1,42,400 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। फीस यहां पर आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल, OBC और EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹500 फीस है, SC और ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹300 फीस है। ये फीस का अमाउंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है sgpgi.ac.in। जॉब लोकेशन लखनऊ, उत्तर प्रदेश है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती की सभी डेट्स जल्दी घोषित कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी स्वास्थ्य विभाग की इस भर्ती की पूरी जानकारी। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF को ओपन करके पूरी डिटेल आप उसमें से रीड कर सकते हो। प्लस यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी प्रोवाइड कराया गया है, जिसके माध्यम से आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों, जैसे ही आप इन लिंक्स पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सबसे पहले इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। ये इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ से आप पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1x1 करके रीड कर सकते हो, जैसे कि क्या एडवर्टाइजमेंट नंबर है, क्या पोस्ट का नाम है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, टोटल कौन सी पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कितनी सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और क्या आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस होनी चाहिए। पूरी डिटेल आपको यहां पर इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई है। एक नया एडवर्टाइजमेंट डेट्स के साथ जल्दी घोषित हो जाएगा, जिसमें से भी आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हो। उसके बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जिसके लिए पोर्टल आपको यहीं पर प्रोवाइड कराया गया है। इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान का ऑनलाइन पोर्टल है, इसके माध्यम से आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों, यहां पर आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा अनाउंसमेंट सेक्शन में, या फिर यहां पर जाकर आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको अपना एप्लीकेशन आवेदन करने के लिए लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पर आपके लिए ऐसी ही बिग गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट अपने चैनल पर अपलोड करते हैं।